कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। ये बासी चावलों का मैंने बनाया है, फ्राइड राइस कहिए, पुलाव कहिए या वेज बिरयानी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है और मन करता है खाते ही जाओ खाते जाओ। बच्चों को जितना पसंद आता है, बच्चे सोचते हैं, पहले से ही बोल देते हैं, मुझे मम्मी थोड़े ज़्यादा चावल बनाना, मतलब कि मैं बाद में फ्राई करूँ, तो मतलब इतना पसंद आता है, इतना टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स आज हम इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास 2 कप के करीब चावल बचे हुए हैं, तो इसी से हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पैन को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें 3 टेबलस्पून हम मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। इसे और अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है फ्रेंड्स। इसमें 2 मीडियम साइज के रफली चॉप इसमें प्याज डाल रही हूँ और इसमें और कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से ब्राउन कर लिया है मैंने और इसमें 2 टमाटर मैंने डाल लिए हैं। इसे भी रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक करके चॉप नहीं किया है और इसे भी हमें अच्छे से गला लेना है। और इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं फ्रेंड्स, ताकि जो टमाटर हमारे अच्छे से जल्दी गल जाएंगे। और इसे अच्छे से चला देते हैं, इसमें 2-4 मिनट लगेगा, अच्छे से जो है टमाटर एकदम से गल जाएंगे। 2 हरी मिर्चें डाल लेनी है, इसे भी मिक्स कर देते हैं और इसी के साथ इसके अंदर शिमला मिर्च डाल लेनी है फ्रेंड्स। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, मैं सिर्फ शिमला मिर्च डाल रही हूँ। इसी से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो थोड़े चावल हैं इसलिए ज़्यादा सब्जियाँ मैं नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा 2 मिनट के लिए बस ऐसे फ्राई करेंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देंगे फ्रेंड्स। आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स, और आधी छोटी चम्मच हम इसके अंदर गर्म मसाला डाल देंगे। इससे टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया जाता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमें और टेस्ट अच्छा कर रहे हैं, तो हम इसमें 1 मैगी मसाला डाल देंगे फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी इससे टेस्ट आएगा। तो ये जो मैगी मसाला, यही नॉर्मली जो ये मिलता है मैजिक मसाला, वही मसाला ले रही हूँ मैं। 1 मैगी मसाला डाल देंगे, इससे टेस्ट जो है एकदम अमेजिंग टेस्ट आएगा और भी इसका जो स्वाद है बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छे से डाल के इसे भी मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बस इसको अच्छे से ऐसे थोड़ा सा चला देंगे और अच्छा से पका लेंगे, तो जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएंगे। अब जो हमारे चावल हैं, आप देखते ही होंगे जो चावल होते हैं बासी रखे रहते हैं तो थोड़े बन से जाते हैं, गांठे सी आ जाती हैं, तो उनको अच्छे से हाथ से थोड़ा सा खोल लीजिएगा, उसे फिर डालिएगा, थोड़े खिले खिले हो जाएंगे, मतलब यही है। तो अब इससे राइस को हम अच्छे से इसमें मसालों के साथ मिक्स कर देंगे, एकदम बढ़िया से मिक्स करना है फ्रेंड्स, ताकि एक एक जो चावल का दाना है मसाले उसमें अच्छे से लग जाए और जो उसका टेस्ट है फिर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए अच्छे से इसको बहुत बढ़िया से हम मिला देते हैं। जो ये राइस है इतना टेस्टी बनता है ना, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। अक्सर जब मेरे चावल बन जाते हैं तो मैं इसी तरह से फ्राई कर देती हूँ। मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी ये शेयर कर देते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एक एक दाना मैंने अच्छे से मिला दिया है और देखिए एक एक दाना कितना खिला खिला लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब लग नहीं रहा कि हमने इसे बासी चावलों से बनाया है, एकदम लग रहा है फ्रेश है एकदम। तो जो फ्रेंड्स ये जो चावल है हमारे बन के तैयार है खाने के लिए, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं फ्रेंड्स। इसका जो टेस्ट है ना एकदम अमेजिंग आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह की नई नई रेसिपी आपके लिए लाती रहूं। तो आपके इस सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।